क्वेश्चन नंबर टू है, सेम क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर टू सेम है, सिर्फ इसमें आपको मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स फ्रैक्शन को आपने क्या करना है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था, जब हम ऐड करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे फ्रैक्शन नंबर का, तो हमें उन नंबर्स को पहले देखना है कि वो मिक्स फ्रैक्शन में है तो उसको एक बार इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में उसको चेंज करना है, ठीक है, यानी कि अनुचित बिन में उसको बदलना है। अनुचित बिन में बदलने के लिए क्या करते हैं हम, भाग वाली विधि, ठीक है, जो होल नंबर है उसको डिवाइजर से मल्टीप्लाई करना है और उसमें शेष जमा करना है, समझ आई बात, जो सही में नंबर है, जैसे क्या है फर्स्ट, क्या है कितनी दूरी है 47 सही 1/2, इसको मिक्स फ्रैक्शन में, इस मिक्स फ्रैक्शन में ये, इसको इम्प्रॉपर में चेंज करना, तो क्या करना है, किस किस को गुना करना है, इन दोनों को गुना करना है, ठीक है, 45 × 90 होता है, 47 × 2 कितना होगा 94 होगा, 94 और 1 95 upon 2, जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा, ठीक है, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ, ये समझ आ गया। तो उसके बाद आप इसको जैसे ही अंडे वाला क्वेश्चन किया था, जब आपके पास ये हो गया उसके बाद आप अंडे वाला क्वेश्चन जैसे किया वैसे ही कर सकते हैं। एक व्यक्ति एक दिन में इतना चला, टोटल वो इतना चला, उसमें से इतना स्कूटर से चला कितना, 29 सही 1/3 या फिर 29 whole 1/3, इसको भी आप क्या करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, ठीक है, और किस में चला उसके बाद वो पैदल चला कितना, 8 × 5/6 उसकी से चला, वो साइकिल से चला, बाकी वो पैदल चला, समझ आ रहा है क्वेश्चन की नहीं, इतना वो चला स्कूटर से, ठीक है, इतना स्कूटर इतना साइकिल से चला और इतना चला वो पैदल, कुल वो इतना चला है यहां से लेकर यहां तक, ठीक है, समझ आ रही बात, ये नंबर दिया हुआ है, टोटल चला हुआ कितना है ये 95/2, ठीक है, ये कितना चला है 94/2, उसमें से स्कूटर का दिया हुआ कितना, किस कितना चला हुआ है, कितना चला है स्कूटर का 29 whole 1/3, ठीक है, साइकिल का दिया हुआ कितना है 8 whole 5/6, ये भी दिया है, अब ये नहीं दिया है, ये आपने निकालना है, कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, टोटल दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया है, ये निकालना है, कैसे करेंगे, माइनस, किस क्या किस में से क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करेंगे उससे माइनस कर देंगे, हाँ आपके पास दो तरीके, क्या एक बार आप इन दोनों को जोड़ सकते हैं, क्योंकि इतना दिया हुआ है ये, इतना साइकिल और स्कूटर वाले को जोड़ सकते हैं आप, ठीक है, साइकिल और स्कूटर वाले को जोड़ सकते हैं, उसको इसमें से अगर आप माइनस कर दोगे, ठीक है, और इजी करते इसको हम, मान लो ये 90, अगर हम होल नंबर में इसको सीखते, 90 किलोमीटर वो चला है, इसमें से 29 किलोमीटर अगर वो स्कूटर से चला है और 8 किलोमीटर वो अगर साइकिल से चला हुआ है, तो पैदल कितना चला है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करके इसमें से 90 में से माइनस कर देंगे, यही करेंगे ना, बस इसमें भी यही करना है, फ्रैक्शन में माइनस करना है, फ्रैक्शन में माइनस करना है, प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम आ रही है फ्रैक्शन में, डिनोमिनेटर कर रहे हैं आप बराबर, आ रहा है बराबर करना, एलसीएम लेना आ रहा है, हाँ क्यों ले रहे हैं वो तो सब पता लग गया आपको, सिर्फ उसको बराबर करना है, ओके, उसके बाद आपको फिर माइनस कर, एक और तरीका है, आप इसमें से लगातार इसको भी माइनस करो, इसको भी माइनस करो, बारी बारी जो आया, एक बार इन दोनों को माइनस, इसमें से ये माइनस कर दिया 29 whole 1/3 माइनस, इसको आपने इम्प्रॉपर में चेक करना है, चेंज करना है पहले, ठीक है, और 8 whole 5/6 ये माइनस करेंगे तब भी आपके पास आंसर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, आएगा, इन दोनों को प्लस करके माइनस करो, यानी कि ये माइनस माइनस वाले, देखो मैंने आप लोगों को बोला भी था माइनस माइनस वाले क्वेश्चन,
ये भी माइनस में है, ये भी माइनस है, ये दोनों आपस में क्या होंगे, प्लस होंगे, ठीक है, क्योंकि ये भी नुकसान है इसका, ये भी नुकसान है, टोटल नुकसान कितना है, ये फिर फायदा है इसका अपना, प्लस में है ये, इसमें से ये दोनों माइनस हो जाएंगे, ठीक है, पर ये दोनों आपस में अगर करना है तो प्लस होंगे, अदरवाइज आप इसको माइनस भी कर सकते हो। समझ आ रही है ये बात की नहीं आ रही है, क्लियर हो गई? यस सर। ये क्वेश्चन कर लोगे? यस सर। ओके।